Subscribe my YouTube channel. Press the bell icon, select all for more videos. अलामा बगदादी साहब और दीगर जो हमारे जिम्मेदारान थे, सबसे एक ही सवाल, पता नहीं इनसे हुआ है या नहीं, हमारे पंजाब में जितने भी गिरफ्तार थे उनसे यही पूछता था लीडरों से कि आपको पैसे कौन देता है, यही तो सवाल है। और तो हमारा ये तो जुर्म, यही जुर्म था सबका, मुझसे भी अलहदा करके ले जाते इस तरह खुफिया खानों में, जी आपसे कुछ बंदे मुलाकात करने हैं, हाँ जी जी, कहते आप हमारे साथ तामन फरमाएं, आपको पैसे कौन देता है। मैंने कहा आप बताएं हमें कौन देता है, आप बताएं कौन देता है, आप बताएं, मेरे फोन पर तो टेपे आपने लगाई हुई है, आप बताएं कौन देता है, कहते हमें मिल ही नहीं ना रहा, आप तामन फरमाए। तो मैंने कहा अल्लाह के बंदो, जिनका काम है वो जाने, उनका काम जाने, खादिम का काम होता है सिर्फ खिदमत करना, पहरेदार का माना होता है सिर्फ पहरा देना, नौकर का काम होता है नौकरी करना, बाकी दुनिया में जो जिसकी भी जो मुलाजमत करता है उसको तनख्वाह नहीं मिलती, तो जिनकी हम नौकरी करते हैं। ऐसे भाई नहीं, जोर लगाओ जोर लगाओ। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, एथो सीने जो आवाज करनी, और ताजदार खत्म नबुव्वत, और ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। आप तसव्वुर करें भाई, हजरत अबू दुजाना टूटी हुई टांग के साथ अब मुसैलमा कज़्ज़ाब के किले पर कैसे चढ़ रहे थे, बर्रा बिन आज़िब ढाल के ऊपर बैठकर अंदर छलांग कैसे लगा रहे थे हुजूर की खत्म नबुव्वत की हिफाजत के लिए, फिर यहां से सीने से आवाज निकलेगी, ऐसे नहीं निकलती। हाँ तसव्वुर करें सहाबा हजारों की तादाद में नारे लगाते हुए जंगे यमामा की तरफ कैसे जा रहे थे, बूढ़े भी जा रहे थे, जवान भी जा रहे थे, बदरी भी जा रहे थे, नाबीने भी जा रहे थे, वो तसव्वुर से नारा, हम तो खाली नारा लगा रहे हैं ना इधर अब ठंडी हवाओं में बैठकर, उनको पता था सुबह हमारा किन से मुकाबला होने वाला है। और ताजदार खत्म नबुव्वत, भाई शेरो वो जो पीछे है वो सारे इसी तरह आवाज निकालें जिस तरह ये पहले लोग आवाज निकाल रहे हैं, ये आवाज बचाकर किसके लिए रखनी है आपने, और ताजदार खत्म नबुव्वत, और ताजदार खत्म नबुव्वत, और ताजदार खत्म नबुव्वत, और ताजदार खत्म नबुव्वत। 1200 सहाबा शहीद हो गए, 1200 शहीद, जिनमें 700 हाफिज और कारी, और 10 से 15 सहाबा सिर्फ खालिद बिन वलीद के पीछे बाजमात नमाज पढ़ रहे थे जंगे यमामा। उम्मे उमारा फरमाती हैं बाकी सारे इतने शदीद जख्मी थे कि वो खैमों में नमाज पढ़ रहे थे। तो आप सिर्फ नारा लगाने में एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं, ये ऐसे ऐसे नहीं दीन तख्त पर आएगा, इसके लिए तो कुर्बानियां चाहिए। हाँ कभी बदर, कभी ओद, कभी खंदक, कभी हुनैन, बदर से बढ़कर ज्यादा खौफनाक मंजर ओद में हुआ, फिर ओद से बढ़कर फिर खंदक में हुआ, वहां तो रोटी वक्त मसला बन गया, पेट पर पत्थर बांध लिए साहब ने, ठंडी हवा चल रही, 25,000 का लश्कर आ गया। अलैकुम बि सुन्नति व सुन्नत अल खुलफाई, यह है सुन्नत मुस्तफा। जब अमर बिन अब्द वो घोड़ा इधर ले आया ना, खंदक उबूर करके आ गया, यह है जी सुन्नत, तो हुजूर फिर खुद तलवार पकड़कर पैरे के लिए खड़े हो गए, और हुजूर ने यह बताया सुन्नत यह है कि जब दीन पर मुश्किल वक्त आ जाए तो जो दीन का रहनुमा हो वो खुद तलवार पकड़कर खड़ा हो जाए। हाँ जी यह है हाँ
जोर की भी कजा हुई है, असर की भी कजा हुई है, मगरिब की भी कजा हुई है, और फिर इशा हुजूर ने सुबह आखिरी टाइम जाकर पढ़ी। तो ये भी अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाई कि जब दीन पर मुश्किल वक्त आ जाए तो फिर हुजूर ने खुद भी खंदक खो दी है। और ये तो पढ़कर मैं वैसे भी रोता हूँ रात को कि हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हुजूर ने खंदक खोदी भी है और फिर मिट्टी भी अपने पुश्त मुबारक पर उठाई है। यहां बड़ा कीमती है मौली खातिम, अगर इसको हथकड़ियां लग गई तो फिर क्या हुआ? हमारे लोग जी हजरत साहब को हथकड़ी लग गई, तो मैंने कहा इमामुल अंबिया ने तो यहां मिट्टी उठाई, और एक बार नहीं उठाई, हत्ता वारत तुराब बयाज बतनी। बरा बिन आज़िब कहते हैं आपका जिस्म मुबारक चांदी की क्या हैसियत है, इससे बढ़कर हुजूर का जिस्म मुबारक सफेद था। तो फरमाते हैं इतनी बार हुजूर ने मिट्टी उठाकर फेंकी कि मिट्टी ने उठ उठकर हुजूर का जिस्म इतनी बार चूमा कि रसूलुल्लाह के जिस्म की सफेदी गुम हो गई थी। ये नहीं कि बरकत के लिए हुजूर ने इतनी सारी मिट्टी उठाकर ऐसे की है, हुजूर मिट्टी यहां उठाकर ले जा रहे थे। पागल हो जाता है बंदा, दोवें जहान दे मालिक अमन ते हुजूर मिट्टी इत्थे चुक के दीन वास्ते ले जावन। आज दीन के लिए इतनी पगड़ी कीमती हो गई, अगर ये डंडे खाते हुए उतर भी जाए, मैं जब वो मुझे मार रहे थे मेरी पगड़ी वाकई उतर गई थी। वो लड़कों को मार रहे थे तो मैंने कहा इन क्यों क्यों मारते हो, मुझे मारो। तो उन्होंने फिर मुझे मारना शुरू कर दिया हाथों पर और सर पर। तो उस वक्त मेरी पगड़ी उतर गई थी, जब मैं गाड़ी में डाला तो पगड़ी मेरे हाथ में थी। तो हमारी पगड़ियां फिर रखी हमने किसके लिए? उसी दिन तो पगड़ी का मजा आया बांधने का कि जब हुजूर के नाम पर डंडे खाते हुए ये उतर गई, तो फिर क्या करना है इस पगड़ी को और क्या करना है? ये कोई ऐसी बातें नहीं है, हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हमसे मुराद आप सारे हैं, कुछ भी नहीं किया। दांत तो मेरे नहीं टूटे, अगर ये टूट जाते तो फिर ये भी सलामत है और ये भी हुजूर के लिए रखे हुए हैं। मैं इनकी सफाई इसी नीयत से करता हूं, कभी मौका आया तो ये भी पेश कर देंगे। हाँ, मैं दांतों को बीमारी इसलिए नहीं लगने दे रहा, बस मुकम्मल सफाई रखता हूं अपने दांतों, और दांतों की सफाई मिसवाक की है। हाँ, मैंने कभी पेस्ट इस्तेमाल नहीं की। हाँ, बिल्कुल मेरे दांत सारे सलामत है, उनको कोई कीड़ा